अखिल भारतीय नौजवान सभा ने दिया नई शिक्षा नीति के विरोध में ज्ञापन। नई शिक्षा नीति के विरोध में अखिल भारतीय नौजवान सभा ने देश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिसके तहत गुना में भी अखिल भारतीय नौजवान ने विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि ये नई शिक्षा नीति से देश में शिक्षा का व्यापारीकरण होगा। इसका विरोध करते हुए इसे तुरंत ही वापस लेने की मांग की गई। शिक्षा नीति धोखा है। कॉर्पोरेट पर शिक्षा नीति वापस लो। पीपीपी मॉडल नहीं चलेगा। आज क्या है कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन अखिल भारतीय नौजवान सभा द्वारा पूरे देश के अंदर जो नई शिक्षा नीति मोदी सरकार लेके आई है उसके खिलाफ में पूरे देश के अंदर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश के गुना जिले और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर के हमने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर द्वारा, जो कि जैन मैडम जो है डिप्टी कलेक्टर, उन्होंने यहाँ पर लिया है। उसमें हमने मांग की है कि ये जो अभी नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है वो एक्चुअली में जन विरोधी नीति है। कॉरपोरेट घराने, उद्योगपतियों को और जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए काम करने वाली ये शिक्षा नीति लागू की गई है, और इसमें से संस्कृति के नाम पर तमाम बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ों को हटाया गया है, और पर्यावरण की जो नीति है उसको भी जो लागू किया गया है, ये दोनों जनविरोधी नीति है। इसका हम लोग खिलाफत करते हैं और आज ये मांग करते हैं कि इस नीति को तुरंत लिया जाए, और नहीं तो इसमें संशोधन किया जाए और ये दो भाषीय द्विभाषी वाले ये सारा सिस्टम खत्म किया जाए।